16.5.1 पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। आपने देखा होगा कि जब हम बर्तन में पानी को गर्म करते हैं तब वाष्प बनती है। यदि इस बर्तन को ढक दें तो ढक्कन के अंदर की ओर पानी की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं। यह प्रक्रिया आसवन कहलाती है। आइए हम दो द्रवों के मिश्रण के आसवन को समझने का प्रयास करते हैं। आसवन की प्रक्रिया में अगर दो द्रवों के मिश्रण को गर्म किया जाए तो ये दोनों वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर वे पुनः द्रव में बदल जाते हैं। सामान्य ताप पर सभी द्रव लगातार वाष्पित होते रहते हैं, परंतु जब इन्हें गर्म करते हैं तो वाष्प की मात्रा बढ़ती जाती है। वाष्प की यह मात्रा द्रव के क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जिस द्रव का क्वथनांक निम्न होगा उसकी वाष्प अधिक बनेगी और उच्च क्वथनांक वाले द्रव की वाष्प कम बनेगी। इस वाष्प को ठंडा करने पर निम्न क्वथनांक वाले द्रव की अधिक मात्रा प्राप्त होती है और उच्च क्वथनांक वाले द्रव की कम। इसे हम दो द्रवों ए और बी के द्वारा समझ सकते हैं। द्रव ए निम्न क्वथनांक धन द्रव बी उच्च क्वथनांक गर्म करने पर वाष्प, ए की वाष्प ज्यादा बी की वाष्प कम। ठंडा करने पर द्रव, ए की मात्रा ज्यादा बी की मात्रा कम। यदि इन दोनों द्रवों को पूरी तरह पृथक करना हो तो आसवन की प्रक्रिया को बार बार दोहराना होगा। हम जानते हैं कि पेट्रोलियम कई हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है। ऐसे मिश्रण के घटकों को साधारण आसवन विधि के द्वारा पृथक करना कठिन होता है, अतः इनके लिए विशेष उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसे प्रभाजक स्तंभ कहते हैं। इस प्रकार दो या दो से अधिक मिश्रणीय द्रवों को जिनके क्वथनांक के मध्य बहुत कम अंतर होता है पृथक करने की विधि प्रभाजी आसवन कहलाती है। पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के लिए सर्वप्रथम कच्चे तेल को भट्टी में गर्म किया जाता है और वाष्पों को प्रभाजक स्तंभ के निचले भाग में पहुंचाया जाता है। वाष्पों का यह मिश्रण स्तंभ में ऊपर की ओर उठता है और संघनित होकर द्रव रूप में नीचे की ओर आता है। स्तंभ में आसवन की क्रिया लगातार चलती रहती है क्योंकि गर्म वाष्प के कारण संघनित द्रव पुनः वाष्प में बदल जाता है। इस प्रकार निम्न क्वथनांक वाले यौगिक स्तंभ के ऊपरी भाग में आसवित हो जाते हैं और इन्हें अलग एकत्र कर लिया जाता है। स्तंभ में ऊपर से नीचे क्रमशः निम्न क्वथनांक से उच्च क्वथनांक वाले द्रव पृथक कर लिए जाते हैं। इस प्रकार अलग अलग क्वथनांक वाले प्रभाज पृथक हो जाते हैं जैसा कि चित्रानुसार दर्शाया गया है। अब हम पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन पर अपनी समझ बनाते हैं। प्रभाजी आसवन की क्रिया में भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले प्रभाज स्तंभ में अलग अलग स्थान पर आसवित होते हैं। वे प्रभाज जिनका क्वथनांक कम है स्तंभ में ऊपर की ओर और जिनका क्वथनांक अधिक है वे स्तंभ में नीचे की ओर प्राप्त होते हैं। चलिए
पता करते हैं स्तंभ में सबसे ऊपरी भाग में क्या क्या मिलता है। स्तंभ के सबसे ऊपरी भाग में कम क्वथनांक वाला प्रभाज बिना द्रवित हुए गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है। यह पेट्रोलियम गैस है। इसे उच्च दाब पर सिलेंडर में इकट्ठा कर लेते हैं। पेट्रोल में 5 से 7 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। ये मोटर वाहनों के आंतरिक दहन इंजनों में ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। नेफ्था उच्च कार्बन परमाणुओं वाला यौगिक है। इसे निम्न कार्बन परमाणु वाले यौगिकों में विभाजित किया जा सकता है। ये यौगिक हैं एल्केन और एल्कीन। एल्कीन से पॉली एल्कीन्स प्राप्त किए जा सकते हैं। बच्चों, ये वही पॉली एल्कीन्स हैं जिनका उपयोग प्लास्टिक की बोतलें बनाने में किया जाता है। केरोसिन पेट्रोलियम का एक मुख्य उत्पाद है जिसका उपयोग एयरक्राफ्ट और रॉकेट के ईंधन के रूप में होता है। डीजल वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाला एक जाना पहचाना पदार्थ, यह भी पेट्रोलियम का ही उत्पाद है। जैसा कि आप जानते हैं, यह वाष्पशील ईंधन है। वाहनों के इंजन में उच्च दाब के साथ जब स्पार्क किया जाता है तब इसका यानी कि डीजल का दहन होता है। और अंत में बात उन अवशेष पदार्थों की जो स्तंभ के निचले क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। इन अवशेष पदार्थों का उपयोग सड़क बनाने और छतों पर जलरोधी परत बनाने में होता है। हमने देखा कि पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से विभिन्न ताप पर कई महत्वपूर्ण पदार्थों की प्राप्ति होती है। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। आधुनिक समय में कई उद्योग इन्हीं पदार्थों पर आधारित हैं।